गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में जो आपका टॉपिक चल रहा था, टॉपिक का नाम है जंतुओं में समन्वय। ठीक, आपका जो पिछला टॉपिक था जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था समन्वय एवं नियंत्रण, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। उसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि समन्वय एवं नियंत्रण दो प्रकार का होता है। ठीक, एक कोशिकीय जंतुओं में समन्वय नियंत्रण और बहुकोशिकीय जंतुओं में समन्वय नियंत्रण। तो आज हम वही टॉपिक बताएंगे आपको कि एक कोशिकीय जंतुओं में समन्वय एवं नियंत्रण कैसे होता है और बहुकोशिकीय जंतुओं में समन्वय एवं नियंत्रण कैसे होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो जंतुओं में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स कैसे होता है? तो जंतु दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। तो एक कोशिकीय जंतुओं में जो है कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, समन्वय कैसे होता है और बहुकोशिकीय जंतुओं में समन्वय कैसे होता है? तो एक कोशिकीय जंतु में देखिए, जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, तो ये सब सरल होते हैं। क्या इनके शरीर में कोई भी, जो भी इनका शरीर होता है, जो भी इनका कोशिका होती है, क्या उसमें कोई शरीर के अंग पाए जाते हैं? क्योंकि जब शरीर ही एक कोशिकीय है तो उनमें अंग कहाँ से पाए जाएंगे? जैसे बहुकोशिकीय जंतु जो होते हैं तो उनमें लीवर, फेफड़े, किडनी, ये सब चीजें पाई जाती हैं। जब वो एक कोशिकीय जंतु है तो एक कोशिकीय जंतु के अंदर कोशिकांग तो पाए जाएंगे, कोशिका के अंदर जैसे माइटोकांड्रिया, गॉल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, ये तो सब पाए जाएंगे। कोशिका के अंदर कोशिकांग तो होंगे लेकिन शरीर के अंग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो तो एक कोशिकीय जंतु है। तो एक कोशिकीय जंतुओं में होता कैसे है समन्वय एवं नियंत्रण, क्योंकि इनके शरीर में तो अंग होते नहीं है। तो सरल जीवों जैसे अमीबा में, मान लेते हैं कि अमीबा हमने ले लिया, उदाहरण क्या ले लिया, अमीबा ले लिया। तो सरल जीवों जैसे अमीबा में समन्वय व नियंत्रण की विशेषता आवश्यक नहीं होती, क्योंकि इनके कोशिकांग ही आवश्यक समन्वय कर लेते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि जो सरल जीव हैं जैसे अमीबा, सरल जीव जैसे अमीबा, समन्वय व नियंत्रण की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। विशेष आवश्यकता नहीं होती है मतलब जो एक कोशिकीय जंतु होती हैं उनमें जो होता है समन्वय नियंत्रण की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर तो एक कोशिकीय है। अगर इनके शरीर में बहुत से अंग होते तो उनमें परस्पर तालमेल बिठाना पड़ता। समन्वय और नियंत्रण का मतलब क्या है? शरीर के जितने भी अंग हैं सब में तालमेल बिठाना। ठीक, तो जब सब में तालमेल बिठाना है तो उसके लिए हमें सभी अंगों को नियंत्रित करना होगा, सभी अंग एक जैसे काम करें या एक साथ काम करें। तो लेकिन जब अमीबा एक कोशिकीय है, जब अमीबा एक कोशिकीय है तो उसमें नियंत्रण की और समन्वय की विशेष आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि उसके शरीर में तो कोशिकांग ही नहीं पाए जाते। ठीक, क्योंकि इनके कोशिकांग ही आवश्यक समन्वय कर लेते हैं। और जैसा कि जानते हैं, जैसा अमीबा होता है तो अमीबा के अंदर जो कोशिकांग होते हैं, तो जो कोशिका के अंग होते हैं, तो कोशिका के अंग ही विशेष समन्वय कर लेते हैं, शरीर के अंग नहीं। ध्यान रखना, शरीर के अंग नहीं बल्कि कोशिका के अंग, क्योंकि ये एक कोशिकीय होता है इसलिए कोशिका के अंग होंगे, ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं इसलिए इनके शरीर के अंग होंगे। तो शरीर के अंग जैसे लीवर, फेफड़े, किडनी, ये सब चीजें, और कोशिका के अंग जैसे माइटोकांड्रिया, गॉल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, ये सब होंगे। तो जो कोशिका के अंग होंगे वही समन्वय कर लेंगे। इसके लिए इसमें दो प्रकार की अनुक्रियाएं होती हैं। तो जो कोशिका, जो सिंगल कोशिका होगी एक कोशिकीय जंतुओं में, तो उसमें इसके लिए दो क्रियाएं होती हैं। पहला है स्वीकारात्मक आकर्षण अनुक्रियाएं। स्वीकारात्मक आकर्षण अनुक्रियाएं मतलब क्या होगा, इनमें जंतु उद्दीपन स्रोत की ओर आकर्षित होता है, जैसे भोजन की ओर। जैसे अमाल, जैसे जो भी एक कोशिकीय जंतु है तो उनको भोजन की आवश्यकता तो होती है। तो ये क्या करते हैं, ये जब कोई इनको कोई अच्छी जैसे स्रोत मिल गया, भोजन स्रोत मिल गया, तो ये भोजन स्रोत की ओर गति करते हैं। जैसे कहीं पर भी भोजन स्रोत इनको प्राप्त हुआ तो ये भोजन स्रोत की ओर गति करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये इस प्रकार की जो अनुक्रिया होगी वो स्वीकारात्मक आकर्षण अनुक्रिया। स्वीकारात्मक मतलब जो अच्छी अनुक्रिया होगी, आकर्षण मतलब जिधर की ओर या आकर्षित होंगे। ठीक, अनुक्रियाएं, और जरूरी नहीं कि भोजन हो सकता है उनको अच्छा आवास मिल जाए,
कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहां पर वो सुरक्षित रह सके, तो वो उसकी ओर आकर्षित होंगे। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जो अच्छी चीजें होंगी, जो उनके शरीर को नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाएंगी, तो उसकी ओर ये आकर्षित होंगे। तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहेंगे? स्वीकारात्मक आकर्षण अनुक्रियाएं कहेंगे। स्वीकारात्मक आकर्षण अनुक्रियाएं, ऐसी अनुक्रियाएं करेंगे वो जिधर उनको फायदा हो, जिधर उनका नुकसान ना हो। ठीक, तो इनमें जंतु उद्दीपन स्रोत की ओर गति करते हैं, आकर्षित होता है। ठीक, जैसे भोजन की ओर, भोजन है, आवास है, तो इन सब की ओर क्या करेंगे? वो आकर्षित होंगे। दूसरा आता है नकारात्मक या विकर्षण अनुक्रियाएं, जिधर उनको लगेगा कि मेरा नुकसान हो रहा है, जिधर लगेगा कि हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है, तो उधर वो काहे की गति करेंगे। या बड़े भी जंतु हैं, जैसे बहुकोशिकी जंतु हैं, वो भी जिधर उनको भोजन, आवास, जलवायु सब अच्छी मिलेगी, तो उधर वो गति करेंगे, मतलब उधर की ओर वो आकर्षित होंगे। और जिधर लगेगा कि उनको शरीर को नुकसान है या उनके जीवन को नुकसान है, तो उधर क्यों गति करेंगे? तो वही कह रहा है कि नकारात्मक या विकर्षण अनुक्रियाएं, इनमें जंतु उद्दीपन से दूर भागता है। मतलब जो भी ये हानिकारक उद्दीपन है, तो उधर से क्या होगा, ये दूर भागते हैं। जैसे अधिक ताप, जैसे मान लो कोई जंतु है, जैसे अमीबा है, किसी तालाब में या झील में रह रहा है और वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो अमीबा वहां पर थोड़ी ना रुकेगा, वो तो ऐसे स्थान पर भागने का प्रयास करेगा जहां का टेम्परेचर पहले से कम है। ठीक, तो यही क्या कहलाता है, नकारात्मक विकर्षण अनुक्रियाएं। तो इसमें जंतु उद्दीपन से दूर भागता है, जैसे अधिक ताप या विद्युत से। जैसे मान लेते हैं जल है, उसमें हम विद्युत प्रवाहित कर दें, तो क्या होगा, जो अमीबा है वो अमीबा क्या करेगा, उस जहां पर विद्युत प्रवाहित हो रहे, तो उस स्थान को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता, उसे महसूस होगा कि यहां पर उसके जीवन को खतरा है। तो इनमें जंतु उद्दीपन से दूर भागता है, जैसे अधिक ताप हुआ विद्युत से। तो ये हो गया नकारात्मक या विकर्षण अनुक्रियाएं। तो ये हो गया आपके एक कोश की जंतुओं में समन्वय। अब आता है बहुकोश की जंतुओं में समन्वय। अब हम लोगों को पता है जो बहुकोश की जंतु होंगे तो उनके शरीर के अंग होंगे, जैसे लीवर, फेफड़ा, किडनी। ठीक, तो ये सब चीजें अंग होंगी, तो उनको अपने सभी अंगों में तालमेल बिठाना है, मतलब सभी अंगों में समन्वय बनाए रखना है। तो कैसे होगा, इनमें देखते हैं। सभी बहुकोशिकी जंतुओं में विभिन्न अंगों में अलग अलग प्रकार की जैव क्रियाएं रासायनिक व भौतिक स्तर पर होती हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जंतुओं में क्या होते हैं, अंग होते हैं। ठीक, बहुकोशिकी जंतुओं में क्या होते हैं, अंग होते हैं, और सभी अंग रासायनिक और भौतिक क्रियाएं करते हैं। जैसे पाचन को ही ले लें, मनुष्य में जो पाचन होता है तो उसमें भौतिक क्रियाएं भी होती हैं और रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं। तो भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती हैं कहां, अंगों में, जैसे आंत है, लीवर है, ये पाचन में क्रिया, पाचन में भूमिका निभाता है। मुख है तो ये भी पाचन में भूमिका निभाता है। तो वही कह रहा है कि सभी कोशिकीय जंतुओं के विभिन्न अंगों में अलग अलग प्रकार की जैव क्रियाएं रासायनिक भौतिक स्तर पर होती हैं। तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र अपने अपने ढंग से इन क्रियाओं का नियमन करते हैं। जैसे अब जो हमारे शरीर के अंग हैं, जैसे लीवर है, वो भोजन को पचाने में सहायता कर रहा है। ठीक, पित्ताशय है, वो भोजन को पचाने में सहायता कर रहा है, आमाशय भोजन को पचाने में सहायता कर रहा है, लेकिन इनका नियंत्रण और समन्वय करेगा कौन? तो इनका नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तंत्र करता है। कौन करता है? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। अब ये अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है, देखिए, अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हमारे सभी वो अंतःस्रावी ग्रंथियां आ जाती हैं जिनसे हार्मोन स्रावित होता है, क्योंकि जो हार्मोन होते हैं वो रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो जो भी इसमें रासायनिक व भौतिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है, और अंतःस्रावी तंत्र अपने ढंग से करता है और विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय बनाए रखता है। तो जो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र है, ये सभी अंग, जितने भी अंग काम कर रहे होते हैं, उनका नियमन और जो कार्य कर रहे होते हैं उनका समन्वय बनाए रखता है। अतः इनमें दो प्रकार का समन्वय होता है। जो बहुकोशिकी जंतु होते हैं तो उसमें कितने प्रकार का समन्वय होता है? दो प्रकार का होता है। पहला आता है तंत्रिका समन्वय और दूसरा आता है रासायनिक समन्वय। तंत्रिका समन्वय के अंतर्गत हम इसमें पूरा तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका ऊतक क्या होता है, तंत्रिका कोशिका क्या होती है, और सब पूरा तंत्रिका समन्वय के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें तंत्रिका तंत्र के प्रकार भी पढ़ेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये सब
तो उसमें आएगा मस्तिष्क वगैरह पढ़ेंगे, और रासायनिक संबंध में क्या पढ़ेंगे, हार्मोन्स वगैरह पढ़ेंगे, जो मानव में हार्मोन या जंतुओं में जो हार्मोन होते हैं तो उनको पढ़ेंगे। तो जो बहुकोशिकी जंतु होते हैं उनमें समन्वय दो प्रकार से होता है, तंत्रिका समन्वय और रासायनिक समन्वय। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो तंत्रिका समन्वय से होगा, तंत्रिका समन्वय से रिलेटेड होगा, और उससे रिलेटेड हम पूरा आपको बताएंगे कि क्या होता है तंत्रिका समन्वय। तो आज के लिए हमने जाना कि एक कोशिकी जंतु में समन्वय कैसा होता है और बहुकोशिकी जंतु में समन्वय कैसे होता है, ठीक। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें तंत्रिका समन्वय के विषय में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।